हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज हम आए मैसूरू पैलेस। गाइस, मेरा पीछे देख रहे हो, ये पूरा मैसूरू पैलेस। और ये नहीं, ये भैया है हमारे, देखो गाइस, पूरा मैसूरू पैलेस है। हेलो गाइस, तो ये है मैसूरू पैलेस, 112 साल पुराना। इसको वैसे अम्बा विला पैलेस के नाम पे भी जाना जाता है। और यहाँ 7 गेट 7 एंट्रेंस है। और ये जो गेट जो आप देख रहे हो, इसका नाम है जयामृथंडा। ये पैलेस वैसे 1912 में बनाया गया था, और यहाँ के राजा थे यदुवीर कृष्णदत्त चमराजा वादियर। और गाइस, इसको बनाने वाला एक अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट था, जिसका नाम था हेनरी आरविन। और ये गाइस 700,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। कितना बड़ा है, माँ कसम यार। गाइस, ये देखो पैंथर दोनों तरफ बने, ये सिंबल के तौर पे बनाया गया है यहाँ पे पैंथर। इसके अंदर भी है गेट जो बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये देखो गाइस, ये मैसूरू पैलेस कितना बड़ा और कितनी खूबसूरत है यार। फाइनली बहुत दिनों बाद हमने और एक छुट्टी ले ली इसी महीने में, और हम आ गए कुछ नया ब्लॉग ढूंढते हुए। और हमने बहुत टाइम लगाया कि कहाँ चले, कहाँ जाए घूमने, लाइक यू नो, बहुत टाइम लगा गूगल में ढूंढे। फिर हमको सबसे नजदीक यही मिला, हमारा स्टोर से, हमारी जॉब से ना सबसे नजदीक यही मैसूरू पैलेस था। चल झूठा। और गाइस, हम यहाँ पे जैसे एंट्री लिए, माँ कसम भे, ये तो पूरा मतलब पूरा मैसूरू लग रहा है। इतना बड़ा जगह, इतनी बड़ी पैलेस है यार, इतना बड़ा है कि मतलब ये देख सकते हो तुम मेरे पीछे। एक तो ये पीछे देख रहे हो, इंडिया गेट लग रहा है गाइस। कुछ भी, पूरा का पूरा इंडिया गेट। में कभी गया नहीं हूँ, मैंने जो फोटो पे देखा उस हिसाब से। और पीछे देखो मॉल। अभी तो हम फिलहाल बाहर है गाइस, अंदर जाना तो बाकी है। अंदर जाएंगे ना और भी खूबसूरत चीजें, और भी ये मेरे पीछे ही देख लो गाइस, इसके अंदर जाना हमें। ये मेन किसी महाराजा का बिल्डिंग है, महाराजाओं का पैलेस है ये, इसके अंदर हमें अभी जाना बाकी है। तो सोनी है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा धूप है गाइस। चश्मा लाना चाहिए तो नीला है, पर यार देखो यार कितनी खूबसूरत, कितना बड़ा पैलेस है, कितनी बड़ी मैदान है यार, ये तो बहुत ज्यादा है। वो है अंदर अंदर, हाँ असली चीजें तो अंदर है गाइस, असली असली। तो वैसे भैया पूछ रहे थे हमको फोटो खींच लो, फिर हमने देखा कि कैसे फोटो खींचते, दिखाओ एक बार। फिर देखा ओहो, ये तो फैमिली वाला है, हमने बोला कि शादी के बाद आएंगे फिर। और गाइस, ये देखो इतनी धूप है ना, जैसे आपको तो दिख रहा होगा पीछे पूरा महल, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा फोन में, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं ऐसे अंदाजे से वीडियो शूट हो रहा है वो भी पता नहीं चल रहा, इतना ज्यादा धूप है, इतनी ज्यादा धूप। ये देखते होगा ये बैग का चश्मा लाने वाला था यार, वो मैं भूल गया, ये पीछे बैग का गेट है गाइस, कितनी खूबसूरत लग रहा है। ओके अंदर, हाँ ये देखो भैया ने चश्मा लेके आया, उसको बिंदास है, आंखें भी मस्त नरम लग रही है, पर मेरे को गाइस बहुत ज्यादा धूप लग रही है। मैं थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ, मेरे भैया वहाँ से आए तक बहुत दूर है यार, ये देखो पीछे। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए थे कुछ 2-3 फोटोज खींचना था, इसलिए मैं भैया को रुक रहा हूँ, वो बहुत लेट कर रहे हैं भाई, पैदल इतनी स्लोली चल के आ रहे हैं। मैं आपको पीछे से दिखाऊँ तो भाई और भी खूबसूरत है गाइस, ये देखो माँ कसम यार, भाई साहब हम 2 महीनों से मैसूर में है और हमने देखा ही नहीं ये, सीरियसली इतना दिन बाद हम यहाँ, इतना दिन हम यहाँ पे रह गए, इतना दिनों से हम यहाँ मैसूर में, इतने दिनों से बेंगलोर में, और हम मैसूर नहीं आए थे गाइस, मैसूर नहीं आए यार। मेरे हमारा भैया का स्टाइल वाला पोज कभी बंद होता ही नहीं, ये देखो पोज में खड़े है भैया चश्मा लगा के, भैया की फटी पड़ी हुई है, इतना धूप है इतना। हाँ भाई भाई साहब, धूप तो आप बोलो मत, इतनी गंदी वाली, फिर भी आपने तो चश्मा पहना हुआ है, मेरा तो हालत खराब है, कब अंदर जाएंगे ऐसा लग रहा है। ठंडक मिल रही है, हाँ वो तो है, शरीर में तो बहुत ही गर्मी लग रही है। अब अंदर जाएंगे हम, अंदर हमारे पता नहीं क्या है, वैसे मैंने कभी जिंदगी में पहली बार गया ही नहीं, पहली बार आया हूँ, देखते हैं। एंटीक आइटम, एंटीक आइटम, अरे हम खरीदेंगे करोड़, 100 का नहीं सिर्फ देखने का है। अच्छा, 2-3 साल, 200-300 साल पुराने एंटीक आइटम है जो कि हमें देखने वाले। मुझे नहीं पता अंदर वीडियो शूट करने देंगे कि नहीं, पर ठीक है देखते हैं। हाँ बोलिए, कुछ बोलने वाले थे आप। सोने का एक रथ है, सोने का गाइस वो रथ जिसमें 7 क्विंटल का होगा, मालूम नहीं है 7 क्विंटल का, हाँ वो जाने के बाद पता चलेगा, तो जाने के बाद पता चलेगा। एक कोई गोल्डन का रथ है, देखते हैं अंदर घुस के गाइस। अभी तक तो कहीं टिकट कोई पूछा नहीं, यहाँ पे देखते हैं गाइस, दिख रही है आपको ये हिल्स, देख रहे हैं ये भैया दिखा रहे हैं, देखो चामुंडी हिल्स इसको कहते हैं। कल या परसों सुबह हम वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमको मिलने वाला और एक नया ब्लॉग। और हम अभी गाइस ये देखो बहुत ज्यादा धूप है यार, और फाइनली हम इसके अंदर जाने वाले, एंट्री लेने वाले, यहाँ पे आप देख रहे हो पीछे, फाइनली हम जाएंगे अंदर गाइस, अंदर एंट्री यहाँ से, ये देख सकते हो। और हमारे यहाँ पे देखो हमारे आगे आगे पीछे पीछे, ये हमारे रास्ता दिखाते हुए हमारे टूरिस्ट गाइड, मैसूर के टूरिस्ट गाइड बलराम छेत्री, इनके कांटेक्ट नंबर मैं नीचे डाल दूंगा, किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो आ सकते हैं मैसूर आके कांटेक्ट करें, वो आपको पूरा मैसूर घुमा देंगे, वो भी अपने खर्चे पर। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर गाइस, हम अंदर घुसने ही वाले थे, चप्पल उतारने ही वाले थे कि भाई को आ गया सुसु,
देखो, और मुंह भी धोना है इनको, तो इसलिए हम जा रहे हैं पहले फ्रेश होते हैं, उसके बाद हम जाएंगे अंदर। और गाइस ये जो सामने आप देख रहे हो ये है सुलभ शौचालय, इतना मतलब छोटा मोटा कोई एयरपोर्ट ही लग रहा है कुछ भी। और गाइस ये देखो सुलभ शौचालय के बाहर दीवार पे पोस्टर लगे हुए थे जो भी मशहूर के टूरिस्ट पैलेस हो रहे यहाँ पे, देखो सारे टूरिस्ट प्लेस जो भी है। तो गाइस हम आ चुके थे बाहर सुलभ शौचालय से फ्रेश होके, अभी हम जाएंगे गाइस पैलेस के अंदर जो यहाँ पे रखी हुई है एंटिक एंटिक चीजें देखने। और गाइस आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ही गंदी वाली धूप लग रही है गाइस, इतना दिन एसी में अंदर बैठ रहे थे आज अचानक बाहर निकल गए दिन को, तो भाई साहब मरने वाले। इन भाई साहब को पानी पीते हुए देख के गाइस मेरे को प्यास लगी, तो मैं भी थोड़ा बहुत पानी पी लेता हूँ। हम दोनों अब निकल चुके हैं पानी पीने के बाद फाइनली अंदर। ये देखो गाइस हर जगह से कितनी खूबसूरत लग रही है ना यार, वहाँ कसम, ये देखो ये पीछे वाली। अब हम आ गए थे चप्पल रखने के लिए, तो मैं ढूंढ रहा था भैया किधर गए, इधर उधर चारों तरफ भैया का ढूंढा, मिल नहीं रहे। फिर देखा कि ओ भाई साहब ये तो कोने में यहाँ पे अकेले बैठ के जूता खोल रहे हैं। तो गाइस हमने टिकट ले लिए थे, जूते उतर रख के जूता झोले में रख के, ये देखो भाई साहब को आगे आगे 5 नंबर काउंटर पे जाना था क्योंकि हमको वहाँ पे करना था डिपॉजिट जूते चप्पल की। फिर हमने रख दिया, ये देखो भाई साहब चले गए, हमने रख दिया यहाँ पे जूते चप्पल और हम निकल चुके थे अंदर द पैलेस के अंदर। भाई बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे अंदर जाने की, अब फाइनली हम हो चुके थे अंदर, एंट्री कर चुके थे। तो हम पहुँच चुके थे अंदर और यहाँ पे गाइड के लिए पूछ रहे थे, हमने बोला हमको गाइड नहीं चाहिए, हमारे पास ये जो आगे आगे चल रही है हमारे गाइड रहे। तो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक किया टिकट, तो भैया ने टिकट दिखा दी और मैं चला आगे आगे एंटिक चीज़ें देखने। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो ये बहुत ही पुरानी, कितने साल 100 साल पुरानी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है, मेरे को नहीं पता चल रहा कि है क्या एक्चुअल में। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर नीचे कुछ लिखा हुआ था उसको पढ़ लेते, फिर पढ़ा, फिर उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आया तो हम चल दिए आगे देखते हुए बस। और यहाँ पे ना क्लियर भी नहीं आई हो रही थी, दिख नहीं रही थी, यहाँ पे गन्नू भैया की फोटोज थी। जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हमारी गाइडर भैया कन्फ्यूज आ गया कि इधर से जाना है उधर से जाना, तो मैंने बोला इधर से चलते हैं, फिर हम चल दिए इधर से गाइस। तो गाइस हम जैसे मॉल के अंदर पहुंचे पैलेस के अंदर, तो गाइस ये देख सकते हो ये कितनी खूबसूरत पूरी गोल्ड प्लेटेड लग रही थी भाई साहब, कितनी क्लीन और कितनी खूबसूरत लग रही थी यार पैलेस, तो सच में बहुत ही खूबसूरत। फिर हमने सोचा कि हम कैमरा को उल्टा घुमा लेते, तो जैसे घुमा लिया हम देखोगा ये क्या, हम तो बुलवा बुलवा हो गए बे, ये क्या हो गया समझ में नहीं आया। यहाँ पीछे देख रहे हो एक गाइडर फरनार को कुछ समझा रहे थे जो कि हमारे पल्ले नहीं पड़ रहे थे। फिर हमने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं, और फिर हम आगे बढ़ गए यहाँ पे द रॉयल फैमिलीज। यहाँ पे गाइस रॉयल फैमिलीज के फोटोज लगे हुए थे दीवार पर, टंगे हुए थे गाइस, ये देख सकते हो आप एक से बढ़कर एक, मतलब पुराने जितने भी पूरे खानदान पूरी फैमिली इनकी थी वहाँ के सारे फोटोज लगे हुए थे राजा महाराजाओं के गाइस। फिर मैंने अपनी फ़ोन पकड़ा दिया डाई को और मैं आगे बढ़ के देखने लगा जूम कर करके कि किसी को पहचानता हूँ क्या, किसी के बारे में मैंने पढ़ा हुआ है कि नाम देख के। फिर गाइस ये देखो यहाँ पे लगी हुई थी कुछ भीड़, फिर मैंने देखा यहाँ पे नाम पढ़ा वो एक क्वीन अलेक्जेंड्रा, इसके बारे में मैंने पढ़ा था गाइस ये देखो। और गाइस ये जो आप देख सकते हो ये है 100 साल पुरानी गिफ्ट जो कि राजा महारानियों को महाराजाओं को जहाँ घूमने दूसरे देश में दौर के लिए जाते थे घूमने जाते थे उनको जो गिफ्ट और मिलते थे वहाँ से ये सारे वही रखे हुए थे यहाँ पे। और गाइस ये पैलेस के अंदर ये जगह देख के मेरे को एक गाना याद आ गया, आमी जे तुमार छम 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 आमी जे तुमार वाली गाइस, यहीं पे नाचती थी ना वहाँ पे, यही सेम वही जगह लग रहा था गाइस मेरे को देख के, माँ कसम डर लग गया मेरे को। तो फिर गाइस यहाँ आ गए ये देख सकते हो ये था पता क्या है एम्बुलेंस गाइस, ये उस जमाने का एम्बुलेंस था 100 साल पुराने का ये देखो गाइस। और गाइस हम पैलेस के उस जगह पे आ गए थे जहाँ पे चारों तरफ बिल्डिंग, बीच में अंगना थी, अंगना के चारों तरफ गाइस खिड़की खुले हुए थे देख रहे हो गाइस, और सारे लड़कियाँ ऐसे खिड़की पे झूम झूम करके ये देखो ऐसे फोटो खींच रही थी। तो मैंने बोला भैया को मेरे को भी ऐसे फोटो चाहिए देखो, फिर हमने भी ऐसे एक दो फोटो खींच ली, एक हो गया ये और ये हो गया दूसरा, ये देखो गाइस ये देख रहे हो ऐसे हमने एक दो फोटो खींच ली। फिर हम बढ़े आगे और ये देखो गाइस हमको क्या मिला, 100 साल पुराना लिफ्ट हुआ ये देखो गाइस लिफ्ट, भाई साहब उस जमाने में भी लिफ्ट थी क्या, अरे भाई साहब। तो गाइस ये देखो हमारे गाइडर हमको कुछ समझा रहे थे, हमको समझ में तो घंटा नहीं आया, गजब बेइज्जती है। फिर हमने सोचा हम आगे जाके अंदर जाके खुद ही पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे है क्या लिखा। तो हमने यहाँ पे देखा गाइस यहाँ लिखा हुआ था चेयर रूम्स ठीक है, और गाइस यहाँ पे था आईना, ये देखो आईना जहाँ पे रानी महारानी अपनी शक्ल देखती होगी, और गाइस ये था चेयर रूम सिल्वर चेयर रूम, ये देखो 2-3-4 चेयर्स यहाँ पे रखे हुए थे, समझ में नहीं आया किसी लिए, कोई होती होगी मीटिंग वीटिंग। फिर हमने ये छोड़ दिया इसको और हम बढ़ गए फिर आगे, सेल्फी वाला मोड हमने ले लिए और हम देखने लगे इधर उधर और कहाँ क्या क्या है। फिर हम जैसे आगे बढ़ रहे थे गाइस हमको दिखा यहाँ पे ये देखो गाइस जिसकी बातें थोड़ी देर पहले हो रही थी यहाँ पे, ये देखो ये गोल्डन रथ इसको बोलते हैं यहाँ पे ऐसे गोल्डन हावड़ा। फिर थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद हमको दिखा यहाँ पे बहुत ही बड़ा आईना, आईना देखते हमको सेल्फी लेने का मन किया पर वीडियो मोड में था तो हमने सेल्फी नहीं लिया वीडियो ही बना लिया। फिर आगे हम आ गए गाइस
यहाँ देखो भीड़ बहुत लगी थी, हमने भी झांका ऐसे क्या है। ओ भाई साहब यहाँ महाराजा थी क्या हमको? ये देखो गाइस, ये देखो इनका नाम था कृष्ण राजा वैद्यर आईवी हु हैज इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या लिखा हुआ था हमको समझ में नहीं आया। फिर से गाइस हम इधर आ गए, ये देखो गाइस, ये देखो फिर से वही सेम, इसका तो साड़ी का भी वही रंग था गाइस। और गाइस हम चढ़ते चढ़ते सेकंड फ्लोर में कब आए पता ही नहीं चला। ये देख रहे हो पीछे धूप जैसी, पूरा धूप है, यहाँ से पूरा नीचे दिख रहा था ऐसे देखे तो, पर मोबाइल पे नहीं आ रहा था। और गाइस फिर हम बढ़ गए आगे, यहाँ से आगे बढ़ते हमने फिर देखा गाइस, ये देखो ये था दरबार लिफ्ट। भाई साहब यार 100 साल पहले भी लिफ्ट था, हमने सोचा चढ़ के देखे एक बार, फिर यहाँ पे बंद था, चल नहीं रहा था, पुराना हो गया होगा। तो गाइस हम पैलेस घूमते घूमते उस जगह पे पहुंच गए थे जहाँ पे माहिष्मति ने सेनापति बाहुबली को अपने देश से बहिष्कार करके निकाला गया था, ये वही जगह है, ये देखो गाइस बाहुबली साम्राज्य। और फिर गाइस हम पैलेस के एग्जिट द्वार पे आ गए थे, ये देखो गाइस ये सीढ़ी देख के मेरे को गोपी बहू की वो वाली सीढ़ी आ गई, याद आ गई, जहाँ पे लोग गिरते गिरते घंटा लगा देते रंग दना दन रंग दना दन। और जैसे हम सीढ़ियों से बाहर आए यहाँ पे देखो चाहे दशहरा जम्बू सवारी एलिफेंट्स ऑर्नामेंट्स, जिन जिन हाथियों को सवारी के लिए लेके जाते थे वो सब जो भी ऑर्नामेंट्स उनको पहनाए जाते थे ये सारे यहाँ पे शो करके रखे हुए, ये देखो गाइस। और गाइस हम निकल चुके थे बाहर, तो बाहर निकल के मैंने देखा भाई साहब हम इधर से ही अंदर गए थे, इधर से ही निकले, ये क्या बुलबुलैया था। तो गाइस फिर हम गए अपने वहाँ पे जहाँ पे हमने रखे थे अपना खजाना लिए, और हमने खजाने को पहन लिए पाँव पे, और हम पहन के निकल चुके थे बाहर घर की ओर। और गाइस जैसे मैं बाहर निकला और मैंने बाहर देखा गाइस यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी थी, यहाँ पे आइसक्रीम की दुकानें थी गाइस। तो मैंने बोला कि मेरे को आइसक्रीम चाहिए, और मैंने ले लिए मैंगो फ्लेवर की मेरी फेवरेट आइसक्रीम, और मैं लगा चूसने। और भैया गए तेल लेने, मतलब ठंडाई लेने, कुछ पेप्सी वेप्सी चाहिए थे उनको, तो वो चले गए किसी और दुकान में पेप्सी वेप्सी लेने, और मैं यहाँ पे आके आइसक्रीम चूसने लगा और उनके इंतजार करने लगा। फाइनली 2-3 साल बाद मेरे को भैया यहाँ पे एक दुकान पे कुछ सामान देखते हुए देखा कि कुछ मूर्तियाँ देख रहे थे खरीदने के लिए, फिर पता चला कि नहीं खरीदना नहीं है उनको, बस देखना था। तो कह जीते भैया लड़की मेरे को घूर घूर देख रही थी, पर मैंने किया इसको इग्नोर, और मैंने देखा आगे 1, 2, 3, 4 भाई कितने सारे लोग है एक परिवार में, इतने लोग, ये लगते हैं असली राजा महाराजाओं के घर के भाई साहब। तो गाइस वापस घूम के हम आ गए फिर से वही मैदान के ओर, क्योंकि हमको जाने का मन ही नहीं कर रहा है घर पे यार, रूम पे इतनी मजा आ रहा है यहाँ पे यार इतनी ज्यादा है ना वहाँ कसम। और गाइस हमारे ये जो भैया है ये 18 साल से सिंगल है, तो मैंने सोचा कि इनकी कुछ सेटिंग मिला जाए, मेरे सामने वाली बैठी हुई एक लड़की देख रहा हूँ उनके साथ मैंने बात कर दी सेटिंग मिला दी, पर भैया को बोला बात करके, वो देखो शर्मा रहे वहीं जाके रुक गए, देखो गाइस। और गाइस भैया को बात करने छोड़ के हम आ गए इधर काहे कबाब में हड्डी बने है ना। और गाइस बहुत ही मजा आया मैसूर पैलेस में आके, सीरियसली इतनी बड़ी है यार, और अंदर भी इतनी खूबसूरत चीज़ें थी यार, मजा आ गया फुल पैसा वसूल। और गाइस मैसूर पैलेस की अगर सबसे ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ मेरे को लगी है ना तो ये है, ये गेट बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत है यार, देखने में इतना मस्त लग रहा है मेरे को। हम यहाँ पे आए हुए लगभग 2-3 घंटे से ज़्यादा हो गए, पर मेरे को यहाँ से रूम जाने को मन ही नहीं कर रहा गाइस, पर अब जाना पड़ेगा बहुत लेट हो चुका, तो ये ब्लॉग को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम निकलते हैं घर की ओर। क्या क्या घूर रहे हो भाई, खत्म हो गया, बस इतना ही था आज का ब्लॉग। तो गाइस आप सभी को अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट भी कर देना यार, 1-2 कमेंट करने से क्या ही जाएगा, भले गाली दो कोई बात नहीं कर दो कमेंट, ताकि मेरे को पता चलेगी कौन कौन देखता है कौन कौन नहीं देखता है ना, कैसा लगा जरूर बताना प्लीज़। और ये देखो गाइस ये गेट आए हाय गजब है ना, द मैसूर पैलेस मजा आ गया। तो फाइनली खत्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे, आप सभी को अच्छा लगे या ना भी लगे फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। टाटा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, मैंने 2-3 जगह देख रखे हैं और 2-3 जगह जाएंगे हम फिर कल परसों 2-3 दिन बाद, ठीक है आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। ये देखो पीछे सन भी खत्म मतलब डूबने वाला है, सूरज भी डूबने वाला है, कहाँ गया सूरज 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 कहाँ है भाई, इधर से तो नहीं दिख रहा गाइस। चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।